हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIIB 18 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करना है, जिससे आप लोग जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है एक एक चीज़ जो हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए जो है अपना एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो गाइज, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँ, अगर आप लोगों को AIIB 18 एग्ज़ाम देना है तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान आप लोगों को बना करके चलना होगा। एंड मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे हर वीडियो में मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कि अपनी एक सेपरेट नोटबुक लगा लीजिए और फ्रंट पे जो है उसका एक टाइम टेबल वहाँ पर सेट कर लीजिए, कि इतने दिन में मुझे ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने दिन में मुझे ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो गाइज, इससे क्या है, आप लोगों का कोई भी जो सब्जेक्ट है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो ज़्यादा वेटेज वाले आप लोगों के सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों को उठाने हैं। लाइक ज़्यादा वेटेज में क्या आता है, आप लोगों का एविडेंस आ गया, CRPC आ गया, CPC आ गया, एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, मतलब इस तरीके के फैमिली लॉ वगैरह, तो ये जो मेन सब्जेक्ट है ना, ये आप लोगों को पहले उठाने हैं। लाइक IPC बहुत मेन है ये सब्जेक्ट्स, तो पहले इनको आप लोगों को प्रिपेयर करना है। देन जो कम मार्क्स वाले हैं, लाइक 2 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, तो बाद में आप लोगों को इनको प्रिपेयर करना, बट ये वाला जो बेस है आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा अपना। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे पूछे जा रहे हैं, वो आप लोगों ने अपना सिलेबस देख लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और अपने जो कंसेप्ट है, थर्ड चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, किस तरीके से क्लियर करोगे, लाइक एविडेंस का आई थिंक सपोज 11 सेक्शन आप लोग ले लीजिए, तो आप लोगों को देखना है क्या 11 सेक्शन में क्या दिया हुआ है, क्या वो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कुछ है, तो बिल्कुल डीपली आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड सपोज़ आप लोगों का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो एक सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मान लीजिए, तो आप लोगों को जो है जितने भी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेट पर मिलते हैं, ग्रुप्स में मिलते हैं, आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलते हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए। बिकॉज उससे क्या है, आप लोगों की एक तो स्पीड इंक्रीज़ होगी, एंड दूसरा जो है आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, और आप लोगों को पता लगेगा क्वेश्चंस का फॉर्मेट, किस किस तरीके के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। ठीक है, और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पर आप लोगों को फोकस करना। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोगों को बेरेट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ये बहुत ही मतलब एक जड़ लगा लीजिए हर एग्ज़ाम की, लाइक जुडिशरी हो या फिर आप लोगों का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो, बेरेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बिना आप लोग प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। सारे सेक्शंस सब कुछ बेरेक्ट्स में दिया होता है, तो गाइस आप लोगों को अपने बेरेक्ट्स बिल्कुल अपनी टेबल पे रखनी है। डेली के डेली आप लोगों को बेरेक्ट से ही अपने प्रिपरेशन को करना है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हम लोग जो है लाइक एविडेंस हमने किया, MCQs हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो गाइस ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, या हमारा एक लॉन टिप्स के नाम से एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी आप लोग फाइल्स में चेक करोगे तो MCQs मिल जाएंगे आप लोगों को, तो बहुत सारी हैं जो प्रोवाइड करती हैं। बेरेक्ट्स पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और लैंडमार्क केस लॉज आप लोगों को स्टडी करनी है। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, और आप लोगों को जो है अपना एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, कि किस पैटर्न, क्या फॉर्मेट है आप लोगों के एग्ज़ाम का। अपने सिलेबस से गो थ्रू हुई कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, और कोर सब्जेक्ट्स यानी कि जो बिल्कुल मेन सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, उनको आप लोग उठाइए और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को कीजिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, और जो बेरेक्स है उनको तो बिल्कुल एक रूट समझिए हर चीज़ की।
आप लोगों के एग्ज़ाम की। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्टिल अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारा एक चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।